हेलो फ्रॉम 2019। तो आपको लग ही रहा होगा 2020 में मैं 2019 के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। ये वीडियो मैंने 2019 में शूट किया था और एग्जैक्टली जून मंथ में मैंने शूट किया था, तो मतलब एक साल से भी ज़्यादा हो गया इस वीडियो को लेकर। अब ये वीडियो क्यों अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि तब जब मैंने शूट किया था आई डोंट नो मैंने इसे कौन से फोल्डर पर रख दिया था, मुझे मिल नहीं रहा था, और जब मुझे मिला है तो मुझे लगा मुझे अपलोड कर देना चाहिए। इसे अभी अपलोड करने का कुछ रीज़न अभी मैं आपको बता रही हूँ। एक तो आपको मेरा हेयर ग्रोथ समझ आएगा, मेरे हेयर का टेक्सचर कितना चेंज हुआ है ये समझ आएगा, और उसके साथ आपको एक होम स्पा के बारे में भी पता चल जाएगा। और ये जो मैंने स्पा के बारे में बताया था ये कोई भी टाइप के हेयर वाले यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली जो मेरी फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट किया था उसका पोकर स्ट्रेट बाल है, तो मैंने उसी का हेयर टाइप सोच कर और उसने जितने भी सारे प्रॉब्लम बताए थे उसको मैंने दिमाग में रखते हुए ही ये मैंने हेयर स्पा मैंने कस्टमाइज़ किया था और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया था। और ये उस समय था जिस समय कि मैं हेयर स्टाइलिंग का वीडियो बनाने का सोच रही थी, ये उस समय का मेरा पास्ट है। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ एक्चुअली डिफरेंट लगेगा, क्योंकि अब भी मेरा जो वीडियो एडिटिंग स्टाइल, वीडियो बोलने का तरीका ये थोड़ा सा डिफरेंट भी हुआ है, लेकिन तब मैं थोड़ी सी तो छोटी थी ना, एक साल छोटी थी तो वही है। तो आज के जो भी सारे मैं यूज़ कर रही हूँ प्रोडक्ट्स, ये मोस्ट ऑफ देम आर होममेड है, और एक ही बस मैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ कर रही हूँ जो आपको ऑब्वियसली वीडियो में समझ आ जाएगा। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको सब्स्टिट्यूट बता दूँगी, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आपको क्या करना पता ही है, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और उसके साथ में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर देना। तो ठीक है अब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आप मेरे बाल देख लें कितने छोटे थे। और हाँ, अगर आप ये वाला स्पा लेना चाहते हो अपने घर पे तो आप क्लीन बालों पे लें। तो मेरे तो स्कैल्प पे मैं होम रेमेडीज से ही क्लीन रखती हूँ, आपको पता है मैं उतना शैम्पू यूज़ नहीं करती हूँ। और अगर आप वो सारे शैम्पूज़ यूज़ करते हैं बाज़ार वाले तो आप वो भी यूज़ कर सकते, या फिर मैंने मुल्तानी मिट्टी, बेसन, मूंग दाल, फिर लेमन और शुगर का एक स्क्रब है, स्कैल्प स्क्रब, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है तो आप वो देख सकते हो। तो पहले हम बनाएंगे हमारा एक प्रीपू ट्रीटमेंट। अब स्पा में मोस्ट ऑफ द जो पार्लर वाला स्पा है उसमें ऑयलिंग कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, लेकिन मेरा जो स्पा होगा उसमें हम ऑयलिंग करेंगे और क्लीन बालों पे ऑयलिंग कर रहे हैं, लेकिन यस हम ऑयल के साथ ओवरलोड नहीं करेंगे। आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, मैंने कोकोनट ऑयल लिया था और वो जो पर्टिकुलर ब्रांड था वो एक्चुअली अंडमान से था, तो उसका वीडियो क्लिप एक्चुअली मेरे पास नहीं था बोलकर मैं ये वाला ब्रांड दिखा रही हूँ। आप होममेड कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो और बहुत सारे ब्रांड का आजकल ऑयल है जो कि वर्जिन कोकोनट ऑयल मिल रहा है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोकोनट ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप ब्लेंड ऑफ ऑयल यूज़ कर सकते हो, या आप के ऊपर है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हो। और इसके साथ मैं थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल इस स्पा सेशन में यूज़ करने वाली हूँ, और मैं आज यूज़ करूँगी टी ट्री एसेंशियल ऑयल, क्योंकि जब ये मैंने वीडियो शूट किया था तब मेरे स्कैल्प पे थोड़ा सा इचिंग था, और जब भी मेरे स्कैल्प पे इचिंग होता है मैं थोड़ा सा मतलब दो ड्रॉप जस्ट टी ट्री ऑयल लेती हूँ, और मैं जो भी सारे ऑयल मेरे माथे पे लगा रही हूँ मैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, और बस दो तीन दिन यूज़ करने के बाद ही मेरा स्कैल्प इचिंग गायब हो जाता है। ये मेरे लिए हर वक्त काम करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है स्कैल्प पे, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ तो अलग आपको फील हो रहा है, तो आप थोड़ा सा टी ट्री एसेंशियल ऑयल लगाएं, लेकिन डायरेक्टली कभी भी हमें एसेंशियल ऑयल नहीं लगाना चाहिए। तो आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे से मैं इस तेल को लगाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने एक पतीला लिया है, इसे डबल बॉयलर टेक्निक भी कहते हैं। तो उस पतीले में मैंने एक्चुअली गर्म पानी लिया है, और उसके बाद मैंने जिस कटोरी में तेल लिया है मेरा कोकोनट ऑयल, आप इस ऑयल के अंदर थोड़ा सा एवोकाडो ऑयल भी डाल सकते हैं, मैंने बाद में थोड़ा सा बस डाला था। और ये जो एवोकाडो ऑयल मैंने डाला था ये था फ्रॉम द ब्रांड इंडस वैली, मैंने बस थोड़ा सा मतलब आधा चम्मच डाला था, क्योंकि एवोकाडो ऑयल बहुत ज़्यादा थिक होता है और फिर बालों पे अटक जाता है, निकलता नहीं, क्योंकि मैं बहुत कम ऑयल यूज़ करने वाली हूँ इसलिए मैंने जस्ट आधा चम्मच डाला। इसके बाद इस कटोरी को मैंने इस गर्म पानी के अंदर रख लिया, बस 5 मिनट ही रखने के बाद ये तेल थोड़ा सा वार्म हो गया,
और उसके बाद मैंने उस तेल पे डाल दिया टी ट्री ऑयल और हमारा स्पा का फर्स्ट स्टेप हो गया। तो चलो अब इस ऑयल ब्लेंड को हम लगाते हैं। याद रखना हमें ओवरलोड नहीं करना है, हमें बस लाइटली हमारे स्कैल्प पे मसाज देना है क्योंकि स्पा है, रिलैक्स होना है और बालों को हेल्दी बनाना है। और एक बात, आप मेरा बालों का कंडीशन अभी देख लो क्योंकि बाद में आपको एक शॉक तो मिलने ही वाला है कि मेरे बाल कितना सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएगा विदाउट एनी थिंग मतलब विदाउट एनी बाजार से लाया हुआ प्रोडक्ट। मैं बहुत मिनिमल इसमें प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। जस्ट मैं मेरे बालों को क्या दे रही हूँ पता है? मैं मेरे बालों को दे रही हूँ बहुत सारा वक्त और उसके साथ मैं दे रही हूँ बहुत सारा प्यार। मेनली हमें वही देना होता है हमारे बालों को। एक्चुअली हम जब अपने बालों से प्यार करना सीखेंगे ना, बाल ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। आप लोग बहुत ज़्यादा जो लोग टेंशन लेते हो उनको मैं यही बोलती हूँ कि मेरे बाल ऐसे है, ख़राब है, ये है, वो है, ऐसा बोलना बंद करो। बोलो कि जो है अच्छे है और उसको मैं और भी अच्छा बनाऊँगी। देखो हमारे हेयर हमारे बेबीज़ हैं, तो जो भी सारे माँ बाप है वो क्या अपने बच्चे प्यार नहीं करते क्या? अगर वो अपना खुद का बात नहीं सुनते हैं तो सेम हमारे बालों के लिए भी है। हमें थोड़ा सा उनको समय देना होता है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमसे बात करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, वैसा ही हमें भी थोड़ा सा वक्त देना चाहिए हमारे बालों को और बहुत लव के साथ उनको केयर करना चाहिए। मैं फिर से बोल रही हूँ ना, आधा प्रॉब्लम आपका यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने जो ऑयल ब्लेंड बनाया है उससे मैंने पहले स्कैल्प पे मसाज दिया और उसके बाद मैं एंड्स पे आ रही हूँ। और एक्चुअली मेरे बालों पे उतना सारा टैंगल्स है नहीं। और एक बात, जब आप मसाज करोगे तब आप फिंगर टिप्स यूज़ करना, नेल्स यूज़ ना करना। और आप देख सकते हो कि मैं पार्टीशन कर करके मैं अपने स्कैल्प पे अच्छा सा मसाज दे रही हूँ। अप्रॉक्स ये मैं 10 मिनट करूँगी। अगर आपको कोई करके देता है, अगर आपकी कोई भी सिस्टर है आपके पास अभी, या फिर मम्मी है, या फिर कोई भी है घर पे, तो उनको आप बोल सकते हो कि मुझे प्लीज़ थोड़ा सा ये वाला रिलैक्सिंग सेशन दे दो, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को करके देती हूँ तो वी स्पेंड अ गुड क्वालिटी टाइम टुगेदर। तो आप भी ऐसा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये सारा एक्चुअली चेरिशिंग मोमेंट है। आप लोग घर पे अगर हो तो प्लीज़ करो, मेरी रिक्वेस्ट होगी। और अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो प्लीज़ मुझे फ़ोटो भेजना। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। इसमें हम अपने बालों को थोड़ा सा हीट देने वाले हैं। अगर आपके पास हीट कैप है तो वेल एंड गुड, लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ भी है नहीं। तो मैं करूँगी जुगाड़। जुगाड़ में मैं क्या कर रही हूँ, मैंने वो पतीला लिया जिसमें मैंने तेल को गर्म किया था, आपको याद होगा, उस पतीले में मैंने डाल दिया गर्म पानी और उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें माइक्रोफाइबर टॉवल। अब ऐसे करने से हमारे हेयर शाफ्ट ओपन होता है और हमने जो भी सारे ऑयल लगाया है ये भी अंदर जाता है और उसके साथ जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें जो हम लगाने वाले हो वो भी अंदर तक जाता है और बाल मॉइस्चराइज रहता है। ये सच में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक मेथड है। आप प्लीज़ अगर करते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हो तो करना स्टार्ट करो। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और उसके साथ इतना ज़्यादा डी स्ट्रेस लगता है ना, क्या बताऊँ। मुझे तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है कि एक हल्का सा गरम एक टावल अपने माथे पे हमने ओढ़ दिया और उसके बाद जो फीलिंग आती है, वाह भाई वाह। जस्ट एक रिक्वेस्ट, ये सब करते करते, ऐसे सारे जुगाड़ करते करते हाथ नहीं जलाना, क्योंकि अगर आपने हाथ जलाया आपकी मम्मी मुझे इतना गाली देगी कि मैं सह नहीं पाऊँगी, ठीक है? अगर आपको लगे कि ठंडा हो गया, अगर आपको फिर से और एक बार गरम गरम मतलब स्टीम लेना है तो आप एक बार फिर से इस टॉवल को पानी पे डिप कर लो और गरम पानी में, एक्स्ट्रा पानी है इसे निकाल देना और उसके बाद फिर से माथे पे से आप रैप कर सकते हैं। ये एक टाइप का रिलैक्सेशन भी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा करना। और एक बात भी कह दूँ, जितना आपको सहन होता है आप उतना ही गर्म पानी में डुबाइए। ऐसा नहीं कि एकदम बॉइलिंग वाटर पर डुबा दिए फिर हाथ वाथ जला दिए, ऐसा नहीं। थोड़ा मतलब ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं पानी को, थोड़ा सा गर्म करें और उसके बाद टॉवल को डुबाइए। तो मैं 10 मिनट बाद आपसे। तो जब तक मैं रिलैक्सेशन पीरियड का आनंद उठाती हूँ तब तक 10 मिनट बाद जो हम स्टेप में जाने वाले हैं उस स्टेप में हमें जो चाहिए वो बना लेते हैं। अब अगर आपकी कोई सिस्टर है तो उसको आप ये काम लगाओ, अदरवाइज सैडली आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पहला जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है बनाना, यानी केले। तो मैंने बहुत सारे मेरे रेमेडी पे मैंने इसके बेनिफिट्स आपको बताया है। ड्राई हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है,
इसका एक ही प्रॉब्लम है, बहुत किसी को फेस होता है लेकिन मैं फेस नहीं करती हूँ, वो ये है कि ये सही से ब्लेंड नहीं होता है। तो उसके लिए आपको ऐसा टाइप का केला लेना है, इसको हम अंडमान के लैंग्वेज में कहते हैं जहाजी कोला। ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, और अगर फिर भी ब्लेंड होने के बाद भी अगर आपको लगे कि इसका पार्टिकल्स है तो इसको आप फिल्टर के थ्रू से पास कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है, ये भी मैंने बहुत सारे रेमेडी पे यूज़ किया है, ये है कर्ड यानी दही। और दही जिनका भी डैमेज हेयर है, बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बाल हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें फैटी एसिड पाया जाता है जो कि फ्रीजी हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उसके साथ इसमें पाया जाता है जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम जो कि हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसके साथ ये हमारे स्कैल्प को भी इन्फेक्शन से दूर रखता है, और उसके साथ जिनको भी डैंड्रफ का प्रॉब्लम है वो भी ये यूज़ कर सकते हैं। दही में विटामिन B5 और D पाया जाता है जो कि बालों के लिए सुपर फूड कहलाया जाता है। और इसके साथ अगर आप नरिशिंग और स्मूथ हेयर चाहते हैं तो आप दही अपने हेयर रूटीन में यूज़ करना स्टार्ट करें। ये वाला बाजार से लाया वाला प्रोडक्ट है इस स्पा सेशन में, ये है रेकविल का कंडीशनर। आपने देखा ही होगा कि हम जब स्पा के लिए जाते हैं तो जो लेडी रहती है, जो दीदी रहती है, जो कि बहुत बोलती रहती है मैडम आपका बाल कितना ज़्यादा ख़राब हो गया, तो वो दीदी एक कंडीशनर लगाती है, तो उसी कंडीशनिंग इफेक्ट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं रेकविल का कंडीशनर। और ये फॉर ऑल टाइप ऑफ हेयर है, अगर आपके पास रेकविल ना रहा तो आप कोई भी सीजी फ्रेंडली कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास सीजी फ्रेंडली कंडीशनर भी नहीं है तो आप कोई भी सल्फेट या फिर सिलिकॉन फ्री कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। आप kurzbot.com में जाके देख सकते हो whether that is सीजी फ्रेंडली और नॉट, या फिर आप अगर ये सब भी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आपका नॉर्मल कंडीशनर भी इस पैक के अंदर डाल सकते हो। तो ठीक है, चलो इस पैक को अब बनाते हैं। सो इसका इंग्रेडिएंट देख के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इसका पैक कैसे बनाना है। बहुत इजी है, बस तीनों को डालना है, मिक्सर पे चलाना है, रेडी। आप बाद में भी कंडीशनर डालकर मिला सकते हो या फिर अभी भी डाल सकते हो, मैं बाद में इस बार डालूंगी, ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, जस्ट मैंने तभी डाला लास्ट में। तो मैंने पहले केले और दही को एक साथ चला लिया मिक्सर पे, और उसके बाद मैंने रेकविल का कंडीशनर डाल दिया। आपकी हेयर लेंथ के अनुसार आप डाल सकते हो कंडीशनर जितना चाहे। और यहाँ पे मैंने दही डाला था अप्रॉक्स 2 चम्मच, और उसके बाद मैंने रेकविल का कंडीशनर डाला था भर के 1 चम्मच, और उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से मिला दिया। जो आपको लम्स दिख रहे हैं थोड़े बहुत, ये एक्चुअली कंडीशनर का है, इसीलिए मैं उसे बहुत अच्छे से मिला रही हूँ, और देन हमारा पैक रेडी हो जाएगा। आप इसे कभी भी नॉर्मल डीसी के दौरान भी, मतलब डीप कंडीशनिंग के दौरान भी यूज़ कर सकते हो। इसको बस स्कैल्प पे नहीं लगाना, क्योंकि मैं बाज़ार से लाया वाला चीज़ स्कैल्प पे नहीं लगाती हूँ, अंटीनल अनलेस वो लोग बोलते हैं, मतलब कभी कभी ब्रांड बोलता है ना कि लगा देना स्कैल्प पे, तो तभी लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं लगाती हूँ। मैं होममेड चीज़ें लगाती हूँ, लेकिन इस पे क्योंकि मैंने रेकुल का कंडीशनर डाला इसीलिए आप स्कैल्प पे मत लगाना, जस्ट लेंथ पे लगाना डीसी के दौरान। तो ठीक है, चलो हमारा पैक अब रेडी हो गया है, अब इसका हम डेमो देख लेते हैं, मतलब स्पा सेशन में अब दीदी हमें लगा देगी कंडीशनर, वो भी बहुत प्यार से। तो मैं आ गई हूँ विथ माई हेयर, और मैंने इसके पहले मेरे बालों पे तेल लगाया था जो आपने देखा ही होगा, वो भी बहुत प्यार से लगाया था, और ये भी बहुत प्यार से हम लगाएंगे, मतलब हम बहुत सारा वक्त लेकर हम लगाएंगे। तो आप ना इसमें सेक्शन कर सकते हो, लेकिन आप देख सकते हो कि मेरा वॉल्यूम इतना कुछ खास नहीं है जिसके लेकर मैं इतना प्राउड फील करूँ, तो मैं बस थोड़ी थोड़ा सेक्शन मतलब सामने का ले रही हूँ, और उसको भी मैं फिर से 2 भाग में डिवाइड कर रही हूँ, और देन मैं उस पार्ट को एक 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 पार्ट को मैं बहुत सारा वर्क दूंगी। तो आप देख सकते हो मैं फ्रंट सेक्शन बहुत छोटा सा एक सेक्शन ली हूँ, बट उसको मैं अप्रॉक्स 5 मिनट तक ऐसे बहुत देर तक उसको मैं उसके साथ खेलूंगी। तो इससे क्या होता है, प्रोडक्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, और उसके साथ हर एक पार्ट पे, हमारे बालों का हर एक पार्ट पे हमने जो भी सारा कंडीशनर लगाया ये अंदर तक जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, अगर आपके पास वक्त है आप वीकली एक बार ऐसा करिए कोई भी डीसी कोई भी कुछ से, और आप इस दौरान फिंगर कॉइलिंग भी कर सकते हैं, इससे बहुत ब्यूटीफुल 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 कर्ल्स भी आते हैं।
तो जिनका भी ट्रांजिशन पीरियड है, ट्रांजिशन मतलब नया नया सीजी फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग ये वाला तरीका ज़रूर यूज़ करना, छोटा छोटा सेक्शन लेना और उसके साथ थोड़ी देर तक खेलना, मतलब खेलना मतलब कुछ भी ऐसा गिल्ली डंडा नहीं खेलना, ऐसा वाला खेलना कि प्रोडक्ट लेना और उसको आप ऐसी मसल देना उसको, इसको कुछ तो एक टर्म है जो मैं भूल रही हूँ, शायद स्मूदनिंग कहते हैं इस वे को, जिस तरीका से मैंने एक 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 स्ट्रैंड को मैंने बहुत देर तक टाइम दिया, शायद था, मैं भूल गई हूँ, देखना पड़ेगा मुझे कर्ली गर्ल बुक। तो आप ऐसे कर सकते हो और उसके बाद आप फिंगर कॉइलिंग कर सकते हो। फिंगर कॉइलिंग से क्या होता है, फिंगर कॉइलिंग से हमारे कर्ल्स ट्रेन होते हैं, जो भी सारे सोचो ट्रांजिशन पीरियड में है उनके कर्ल्स अच्छे से फॉर्म नहीं हो रहा है, तो अगर आप फिंगर कॉइलिंग करते हो तो कर्ल हमारा ट्रेन होता है। जैसे मिलिट्री के ट्रेनिंग में जाके हर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, हर कोई बहुत ज़्यादा एक रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और हर कोई डिसिप्लिन हो जाते हैं, तो अगर सपोज़ हर एक वॉश में हम अपने बालों को ट्रेन करते हैं कि ऐसा ही टाइप का शेप लेना तुम लोग, तो हमारे बच्चे हमारा बात सुनते हैं और उसके बाद हमारे बाल अच्छे वाले शेप लेते हैं। तो इसीलिए फिंगर कॉइलिंग ट्रांजिशन पीरियड में एडवाइजेबल होता है। तो ऐसे ही मैं मेरे पूरे बालों के हर एक सेक्शन पे ऐसे छोटा छोटा सेक्शन करके मैं उसको स्मूदिंग कर दूंगी विथ कंडीशनर और उसके बाद मैं उसको फिंगर कॉइलिंग करूंगी। जिस कटोरी में मैंने डीप कंडीशनिंग बनाया था उसका हर एक साइड से लगाने के बाद, मतलब कटोरी को पूरा चाटने के बाद, मैं अपने बालों को बना रही हूँ एक बन और उसके बाद मैं पहन रही हूँ एक कैप, ये एक शावर कैप है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल पॉली बैग भी रैप कर सकते हो अपने बालों, तो मैं इसे आज 30 मिनट्स तक रखूंगी, लेकिन अगर आपके पास उतना वक्त नहीं है तो आप 15 से 20 मिनट्स तक तो मिनिमम रखें, तो इससे आपका बाल जो है और भी ज्यादा शाइनी होगा। इससे क्या होता है, हमारे बालों के अंदर ये जो हमने पैक लगाया ना, इसका जो अच्छाई है ये सब जाता है, मतलब पेनिट्रेट होता है। सो मैं मिलती हूँ आपको आफ्टर 30 मिनट्स। तो 30 मिनट बाद मैंने मेरे बालों को नॉर्मल पानी से वॉश किया। मैं ये वाला जो स्टेप है इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट करूँगी तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारे वीडियो में ये जो स्टेप है इसको लेकर मैंने बताया है। ये नॉर्मल पानी से मैंने बालों को धोया है। ये नॉर्मल पानी मतलब ये जो पानी है ये रूम टेम्परेचर वाला पानी है, ना तो गर्म है ना तो ठंडा है। और एक बात, मैंने यहाँ पे कोई भी शैम्पू यूज़ नहीं किया, जस्ट नॉर्मल पानी से बालों को वॉश किया है। सो अब आते हैं हमारे फाइनल स्टेप में, जब दीदी हमें लगा देगी एक सीरम, मतलब जब आप स्पा करते हो लास्ट स्टेप में वो हमें कॉस्टली लॉरियल का सीरम लगा देती है, वही सीरम को आज हम घर पे बनाएंगे। तो एक्चुअली एक सीरम नहीं है, एक स्प्रे है जो सीरम जैसा ही काम करेगा और रिफ्रेश स्प्रे जैसा है, काफ़ी माइल्ड है बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका जो शाइन होता है और उसका जो हल्का सा एक होल्ड होता है, एक सॉफ्टनेस जो बालों में आता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल जो कि है फ्रॉम द ब्रांड इंडस वैली। मैं आपको कभी भी ये ब्रांड सजेस्ट नहीं करूँगी, मुझे ये ब्रांड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और बहुत सारा कलर यूज़ करते हैं ये अपने प्रोडक्ट्स पे ही, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और आप अगर चाहो तो आप होममेड एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, मैंने होममेड एलोवेरा जेल का एक वीडियो बनाया है, आप उस पर चेक कर सकते हो, या फिर आप कोई भी और ब्रांड का यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो। एलोवेरा जेल अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप फ्लैक्सीड जेल पे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है गुलाब जेल, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, ये मुझे एक नॉर्मल फार्मेसी में दिख गया था, मैं ले आई थी। और गुलाब जेल एक्चुअली हमारे बालों को हाइड्रेट करता है, जैसे स्किन को ये हाइड्रेट करता है वैसे ही हमारे बालों को भी हाइड्रेट करता है, इसीलिए मैं कभी कभी घर पे ही गुलाब को पानी में बॉईल करती हूँ और मैं उसे भी यूज़ करती हूँ। मुझे पता है वो प्योर गुलाब जल तो नहीं है लेकिन आप यूज़ कर सकते हो ऐसे भी। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंशियल ऑयल, और एसेंशियल ऑयल में मैंने यूज़ किया है ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, ये ऑप्शनल है टोटली। मुझे एक्चुअली मेरे जो सीरम मैं घर पर बनाती हूँ वो थोड़ा सा अगर अच्छा फ्रैग्रेंस दे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इन्ग्रीडियंट अभी हमने देख लिया है, अब बनाते हैं सीरम। उसके लिए मैंने एक क्लीन स्प्रे बॉटल लिया है, उसमें मैं देने वाली हूँ एलोवेरा जेल। इसके पहले मैंने इसमें डाला है गुलाब जेल, और आप जितना चाहो उतना गुलाब जेल ले सकते हो, इसमें कोई भी मैं क्वांटिटी आपको नहीं बोलूँगी, और आप जितना चाहो आप उसमें एलोवेरा जेल भी डाल सकते हो। तो उसके बाद मैंने उस पर डाल दिया था एलोवेरा जेल, मैं इसमें क्वांटिटी कुछ नहीं बोल रही क्योंकि आप क्वांटिटी के साथ थोड़ा खेल सकते हो। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया
ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, बस बस एसेंशियल ऑयल ही आप दो ड्रॉप लेना, दो ड्रॉप से ज़्यादा थोड़ा सा भी ना लेना प्लीज़। और कुछ भी हमें नहीं डालना है, मिलाना है। और हमारा सुपर इफेक्टिव हेयर स्प्रे तैयार हो गया है, जो कोई सीरम से कम नहीं है। मेरा बाल अभी तक भीगा है, तो आप इस स्टेप में सीरम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली सीरम यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इससे बहुत अच्छा शाइन आता है और उसके साथ एक लाइट सा एक होल्ड आता है, ज़्यादा होल्ड नहीं, लाइट एक होल्ड। कि मैं आज बहुत सिंपल वे में स्पा दिखा रही हूँ आपको, इसे मैं फ्लॉप नहीं कर रही हूँ, लेकिन कर्ली हेयर वाले या फिर वेवी हेयर वाले आप फ्लॉपिंग कर सकते हैं आफ्टर दिस स्टेप। सो मैं इसे जस्ट स्प्रे कर दूँगी, और ये अगर आपके फेस पर भी थोड़ा लग जाए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑरेंज एसेंशियल ऑयल और एलोवेरा और रोज़ वाटर हमारे स्किन के लिए उतना ही अच्छा है जितना हमारे बाल और स्कैल्प के लिए है। तो ज़्यादा मत बनाइए सारा, हाँ थोड़ा ही बनाइए, ये हम प्रिजर्व नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनल फेवरेट हेयर स्प्रे है। आप एलोवेरा का क्वांटिटी को ज़्यादा कम कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है। आज मैंने लीव इन लेयर लगाया है जस्ट आपको दिखाने के लिए कि कितना अच्छा रिजल्ट आता है इसका। पूरा ख़त्म कर दिया मैंने। एक स्प्रे बोटल एक आप ले लीजिए, ये 10-20 रुपया का आता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। सो मैं ऐसे मेरे बालों को रख दूँगी और इसे ड्राई होने के लिए रख दूँगी। सो ड्राई होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। हे गाइस, हाय। सो मेरा बाल अब तक सूखा नहीं है, थोड़ा बहुत अभी तक बाकी है, मतलब 2 घंटे हो गए। मेरे बाल सूखने में 4 से 5 घंटा लेता है, सो इसीलिए थोड़ा सा भी सूखा नहीं है पीछे की तरफ। सो एक्चुअली मैं बाहर जाने वाली हूँ, इसीलिए थोड़ा मेकअप वेकअप करी हूँ। सो मुझे लगा कि मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि रिजल्ट कैसा आया है। सो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने अच्छे रिजल्ट आए हैं। एक बात मैं आपको कह दूँ कि आप अगर कोई भी हेयर पैक, हेयर मास्क या फिर डीप कंडीशन कुछ भी अगर ट्राई कर रहे हैं या फिर फेस पैक ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ यूज़ करने के पहले आप एक बार एलर्जी टेस्ट कर ले, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकता है। सो इट्स बेटर टू डू एन एलर्जी टेस्ट बिफोर एप्लीकेशन। अभी हेयर स्पा घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं, और आपका जो रिजल्ट है आप मुझे इंस्टा पे शेयर कर सकते हैं या फिर आप कमेंट करके कह सकते हैं। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप रहिए खुश, खाइए हेल्दी, रहिए फिट एंड ऑल्सो कीप ग्लोइंग। बाय बाय माय लवली फ्रेंड।